हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एक बनाएंगे बहुत सिंपल सी पेंटिंग। सबसे पहले आप एक प्लेन पेपर लेकर उसको मास्किंग टेप से टेप करके चारों तरफ से पानी से स्प्रेड कर दीजिए। इससे आपके कलर्स में अच्छा सा डिस्ट्रीब्यूशन आएगा और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। ये लाइट ग्रीन कलर से आप बैकग्राउंड को पेंट कर रही हूँ। आप भी ऐसे ग्रीन कलर और येलो कलर को मिला के सेम शेड को प्रिपेयर करके आप एक बेस तैयार कर लीजिए। मिड टोन को हमें थोड़ा सा लाइटर रख रही हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे एक कंट्रास्ट चाहिए अपनी पेंटिंग में। इसके बाद आपने एक डार्कर टोन लेकर, ग्रीन का, डार्क ग्रीन का एक टोन लेकर हम अब फिर एक ब्रांचेस बनाएंगे। मैं यहाँ पे बैम्बू शूट प्लांट बना रही हूँ। आप कुछ भी बना सकते हैं, ये मेरी चॉइस है। आप अपनी चॉइस से कुछ भी बना सकते हैं। फिर उसी का मैं एक बेस देते हुए डार्क ग्रीन टोन को नीचे की लेयरिंग कर रही हूँ। आप भी ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने पूरी पेंटिंग में एक सिंगल टोन रख रही हूँ ग्रीन, तो मैंने सिंपल सा इसी कलर को ही अप एंड हाई लो करके अपना बैकग्राउंड और अपना मेन बेस तैयार किया है। क्योंकि मैं इस पेंटिंग में एक्रेलिक्स यूज़ कर रही हूँ, तो यहाँ एक्रेलिक्स की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि यू नीड टू ब्लेंड ब्लेंड एंड ब्लेंड, एंड ये बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाता है, तो आपको इसको ध्यान देना चाहिए। और फिलहाल मैं यहाँ पर एक इंटर नोट्स को हाईलाइट कर रही हूँ वाइट कलर को यूज़ करके, क्योंकि बैम्बू शूट्स में आपने नोट्स देखे होंगे, मैं उसी नोट्स को हाईलाइट कर रही हूँ। अब इन वाइट नोट्स को मैं नीचे से ब्लैक आउटलाइन दे रही हूँ, ताकि ये अच्छे से हाईलाइट्स हो सके और ज़्यादा इनमें डेप्थ आ सके। ऐसा करने से एक अच्छा, एक रिच और एक डेप्थ आ जाती है आपकी पेंटिंग में, कि आप किसी चीज़ को अगर अच्छे से डेप्थ दे पाएँ। पेंटिंग में एक सेंट्रल थीम देने के लिए मैं यहाँ पे कुछ ग्रेवल्स पेंट कर रही हूँ। उसके साथ साथ मैं बटरफ्लाई भी बनाऊँगी, क्योंकि आपकी पेंटिंग्स में एक सेंटर पॉइंट होना चाहिए जो उस चीज़ को ओवरऑल हाईलाइट करे। इट्स लाइक अ समथिंग की नोट, कि वो उस चीज़ को बेटर डिफाइन करे, एक सेंटर पॉइंट जहाँ पे आपका अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा हो। तो मैं यहाँ पे ग्रेवल को ग्रे कलर से पेंट कर रही हूँ। एंड सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसकी ये आ रही है कि मेरा जो पेंट है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है। आई नो इसका सोल्यूशन ये है कि आप इसको पानी से स्प्रे करते रहें। सिमिलरली अब मैंने इन सारी जितने भी मैंने अपने शूट्स और ब्रांचेस बनाए थे बैम्बू के, उन सब में मैं थोड़ी सी लीव्स को ऐड कर रही हूँ। सिंपली इसमें कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन नहीं है, आपको बस सिंपल सा बहुत ही फ्री हैंड होकर, एक फ्री हैंड से आपको लीफ पेंट करनी है। उसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये मेरी वीडियो पहली ऐसी है जिसमें मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। एंड आई हैव लॉस्ट वन ऑफ माय वीडियो वेयर, जहाँ मैंने बटरफ्लाइज को पेंट किया था। सो ठीक है, पहली ऐसी मिस्टेक हो रही है, नेक्स्ट टाइम इट विल बी बेटर। अब मैंने एक डार्क टोन ग्रीन का लेकर अपनी बाउंड्री लाइन को थोड़ा सा और रिच कर रही हूँ। सिंपल सा पेंटिंग में सबसे ज़्यादा ये ध्यान होता है कि आप जितनी से ज़्यादा ज़्यादा से आप क्लियर करोगे अपनी पेंटिंग्स में, उतना ही ज़्यादा आपका जो आउटपुट है वो बहुत ही रिच आएगा। सो मैं यहाँ पे एक डार्क टोन ग्रीन का यूज़ करके अपने पेंटिंग में और ज़्यादा लेयर को ऐड कर रही हूँ, ताकि एक नेचुरल डेप्थ आ जाए पेंटिंग में, एक अलग सा हाईलाइट क्रिएट हो जाता है। और बाउंड्रीज पे मैंने इनको डार्क ग्रीन कलर देते हुए पास आउट किया। फिलहाल के लिए तो काफ़ी है आई थिंक। अब मैं फाइनली इसको एक टच अप दे रही हूँ वाइट कलर से, वाटरी शेड देने के लिए। अब इसको बहुत ही डिस्क्रीट वे में करिए, ताकि ये ऐसे लगे कि या इट्स अ वाटर। और मैंने ग्रेवल्स पे भी नीचे उनको थोड़ा सा शेड दिया है, ताकि एक नेचुरल लुक आए। एंड अभी मेरे हिसाब से ये पेंटिंग तो इट्स लाइक ओके डन। सो बस आप टेप को रिमूव करिए और अपनी पेंटिंग को एंजॉय करिए। आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। आई नो बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, बट या इट विल बी फाइन बाय टाइम हैपेंस। ठीक है, दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द पेंटिंग व्हेन यू पील इट ऑफ। करने का ये पर्पज होता है कि आप जो है अपने बाउंड्रीज जो उसके मार्जिन हैं उसको वाइट रखिए, या कोई भी मार्जिन आप यूज़ करें, ताकि वो एक उसमें
अच्छा सा लुक आया। अब यहाँ पे थोड़ा सा पेंट बाहर आ गया, कोई नहीं, मैं इसको वाइट एक्रेलिक्स को यूज़ करके उसको फिर से प्रॉपर ठीक कर दूँगी। आई होप आपको मेरी ये पेंटिंग अच्छी लगी हो, क्योंकि ये काफ़ी ईजी है और मैंने कोशिश की कि मैं सारी पॉइंट्स को कवर कर सकूँ। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।